मुसलमानों के बीच माधवी की लोकप्रियता ने ओवैसी को डराया। ओवैसी को सताने लगा है अपनी कुर्सी जाने का डर। माधवी लता का साथ देने के लिए तैयार हुए मुसलमान। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 7 चरणों में मतदान होने वाले हैं और अब दूसरे चरण का मतदान भी हो चुका है। बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की जब पहली लिस्ट जारी की थी तो उसमें एक महिला उम्मीदवार ऐसी थी जिनकी खूब चर्चा हो रही थी और आज भी होती रहती है, क्योंकि बीजेपी ने इन्हें दिग्गज नेता असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मैदान में उतारा है। आप जानते हैं कि ओवैसी हैदराबाद से सांसद हैं और जब से उन्होंने यहां से सांसदी लड़ना शुरू किया है तब से उन्हें कोई हरा नहीं पाया। हैदराबाद की सीट पर ओवैसी परिवार की साल 1984 से ही बादशाहत है। 1984 से लेकर 2004 तक ओवैसी के पिता सुल्तान इस सीट से सांसद रहे। उसके बाद 2004 से लेकर अब तक असदुद्दीन ओवैसी ही हैदराबाद से सांसद हैं, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि इनकी सांसदी खतरे में आ गई है, क्योंकि बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के बारे में कहा जाता है कि इनकी मुसलमानों में बहुत ही अच्छी पकड़ है। इन्होंने हैदराबाद में मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, खासकर मुस्लिम बच्चे और महिलाओं के लिए माधवी लता ने बहुत काम किया है और मुस्लिम बहुल पुराने शहर में काफी सक्रिय भी रही। वैसे तो माधवी लता कोई विशेष राजनीतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक नहीं रखती हैं, लेकिन वे एक समाज सेवी के तौर पर काफी सक्रिय रही हैं और यही बात उनको सबके नजदीक लोकप्रिय बनाती है। माधवी लता निराश्रित मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक मदद भी करती रही हैं। उन्होंने 3 तलाक का दंश झेल रहे मुस्लिम महिलाओं के लिए काम भी किया है और इसके खिलाफ अभियान भी चलाया था। खुद माधवी लता दावा भी करती हैं कि उन्हें चुनाव में मुस्लिम महिलाओं का साथ मिल रहा है। अब ये देखकर असदुद्दीन ओवैसी बौखला गए हैं और उनको उनकी कुर्सी अब जाती दिख रही है, इसलिए अब ध्रुवीकरण की राजनीति पर उतर आए हैं। अभी हाल ही में एक वायरल वीडियो को लेकर ओवैसी ने माधवी लता पर निशाना साधा था। उस वीडियो में माधवी लता रामनवमी के जुलूस में एक काल्पनिक तीर चला रही थी। इस तीर को लेकर उन पर यह आरोप लगाया गया कि वे मस्जिद की तरफ तीर चलाकर सांप्रदायिकता का जहर बो रही हैं। इस वीडियो को लेकर ओवैसी ने क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस जरूरी है, और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे उसको, आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते, आप हैदराबाद को अमन को खराब करना चाहते हैं, और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना। ओवैसी के इस आरोप का माधवी लता ने भी जमकर आलोचना की थी और कह दिया था कि ओवैसी गलत वीडियो बनाकर शेयर कर रहे हैं और राजनीति कर रहे हैं। इसके साथ साथ माधवी लता ने यह भी कहा था कि अगर उस काल्पनिक तीर और उस वीडियो की वजह से अगर किसी की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचती है तो उसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी, और इसके साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी जो इस वीडियो को लेकर के राजनीति कर रहे थे उन्हें उनको खरी खोटी भी सुनाई थी। करके देखो साहब, आप ये जो वीडियो चल रहा है ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का पसमंदे अपसमंदे के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप। असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोज भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक, बंटवारा करने में जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई
मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए है इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में से मुसलमानों को उन्हें जीने नहीं देते जीने। क्या करते इन, यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटो पहले। ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। कैसा करते साहब? अरे पसमंदगी लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे। पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे? हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं। अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है, इसलिए हमारा भी एक वीडियो है। माधवी लता के बयान को सुनकर आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये हिंदू मुसलमान दोनों को साथ लेकर चलना चाहती हैं, और खासकर जो मुस्लिम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनके उत्थान की बात कर रही हैं। कहने का मतलब ये है कि माधवी लता ओवैसी के लिए इसलिए गले की हड्डी बनी हुई हैं क्योंकि वे ओल्ड सिटी में रह रहे मुसलमानों के बीच भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, और टिकट मिलते ही उन्होंने हिंदुओं के साथ पसमानदा मुसलमानों, मुस्लिम महिलाओं और बच्चों को मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही थी। बस यही सब देखकर ओवैसी को ऐसा लग रहा है कि कहीं इस बार माधवी लता उन पर भारी न पड़ जाए। हैदराबाद में चौथे चरण में मतदान होने वाला है, अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। करके देखो साहब, आप ये जो वीडियो चल रहा है, ये श्री राम नवमी के दिन हम रामचंद्र जी को राम बाण से मानते हैं। राम बाण यानी सर दुष्ट निवारण और सर्व दुख निवारण। हम ओल्ड सिटी में हर भाई और बहनों का, पसमंदी के लोगों का अपना दुख निवारण के लिए ये जो है, हम उस दिन रामचंद्र जी से प्रार्थना कर रहे थे। अब यहाँ पे मस्जिद कहाँ आया बताओ आप? असदुद्दीन जी ना माहिर हो गए, भड़काऊ स्पीच ही दे रहे थे अब तक, और भड़काऊ वीडियोस भी बनवाने लग गए लोगों से। तसल्ली नहीं हुई इनको आज तक बंटवारा करने में, जो आगे निकले ना तसल्ली नहीं मिली इनको। लेकिन साहब हमारे सर पे तो राम का भी हाथ है, रहीम का भी हाथ है, भूलो नको आप। हमारे नरेंद्र मोदी भाई मुसलमानों के लिए भी आगे बढ़ रहे और हिंदुओं के लिए भी आगे बढ़ रहे, सिख के लिए भी आगे बढ़ रहे और ईसाई के लिए भी लोगों के लिए भी आगे बढ़ रहे। असदुद्दीन जी के इस प्रकार से देश को बंटवारा करके एक पाकिस्तान कर लिए, इनको तसल्ली नहीं मिली। पाकिस्तान कौन सा है? तो पाकिस्तान का बंटवारा जब कर लिए है इंडिपेंडेंस के पहले, वो तसल्ली नहीं मिली इनको। यहाँ का भारत देश में से मुसलमानों को उन्हें जीने नहीं देते जीने। क्या करते इन, यहाँ के मुसलमानों को गरीबी हटाओ पहले। ये भड़काऊ भाषण बंद करो आप, ये भड़काऊ वीडियोस बंद करो आप। कैसा करते साहब? अरे पसमंदगी लोग इससे रो रहे, पढ़ाई नहीं है उन लोगों के पास, गरीबी है, दलदल में मर रहे। पहले उसके बारे में टाइम लगाओ ना। ये बेकार के वीडियो का एडिटिंग करके गलत गलत वीडियो क्यों इधर उधर आप दिखा रहे? हम सच्चाई के पथ पे निकलने वाले हैं। अब जितने भी कर लो हरकत ऐसा, ऊपर वाला हमारे साथ है, इसलिए हमारा भी एक वीडियो है।